अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो चुका है, मौसम भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मरहबन निहाओ ला साओ, दिस इज विनय सिंह तोमर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉल राइट विनय। सो फाइनली आज हमने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए जो इंट्रो वाला पार्ट है वो फाइनली डिसाइड कर लिया है। आज से हमारे जो यूट्यूब चैनल के जो जितने भी व्लॉग्स आने वाले होंगे उन सभी में हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो कुछ ऐसे ही होगी। सो अभी कुछ वर्ड्स आप लोगों ने जो सुने होंगे स्टार्टिंग में, काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों के नए होंगे और उनका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका सबका सिंपली मतलब होता है हेलो, जो कि मैंने 7 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए हैं। वो लैंग्वेज कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ, वेट। सो जो फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा इंग्लिश का हेलो, जो सेकेंड वर्ड है वो हमारा हिंदी का नमस्ते, थर्ड वर्ड जो है वो हमारा पंजाबी का सत श्री अकाल, एंड जो फोर्थ वर्ड है वो है हमारा मतलब फोर्थ जो वर्ड है वो हमारा अरेबिक का है मरहबन, एंड जो फिफ्थ वर्ड है वो चाइनीज़ का है नी हाओ, एंड जो हमारा सिक्स्थ वर्ड है वो है हमारा पुर्तगीज़ का ओला, एंड जो हमारा सेवन्थ वर्ड है वो है हमारा इटालियन साओ, जिसको लोग सीआईओ भी बोलते हैं, बट सीआईओ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो साओ इज़ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो कुछ 7 वर्ड्स लिए हैं हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस के, जिनको मिला के हमने अपना इंट्रो प्लान कर दिया है। सो अब से हमारा इंट्रो कुछ ऐसे ही होने वाला है। सो फाइनली आज जो हमारा इंट्रो वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि हम एक अच्छा सा यूनिक सा इंट्रो प्लान करें और वो आज प्लान हो चुका है, फाइनल हो चुका है। एंड अभी जो कुछ एक चीज़ें और भी हैं जो कि पेंडिंग है, जिसमें कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है कैमरा, बिकॉज अभी आप देख रहे हो कि मैं मोबाइल के कैमरे से शूट कर रहा हूँ और लो लाइटिंग कंडीशन में, जैसे कि अभी मैंने देखा तो लो लाइटिंग कंडीशन में क्या होता है वीडियो में ग्रीन्स वगैरह आ जाते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और नॉर्मली भी कुछ खास परफॉर्म करता नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक अच्छा सा एक कैमरा लिया जाए। सो अभी काफ़ी टाइम से मैं R&D कर रहा था, देख रहा था कि कौन सा कैमरा बेटर रहेगा। तो कैनन के दो कैमरे ऐसे हैं जो कि मुझे समझ में आए, कैनन का M50 Mark II एंड कैनन का 200D, दोनों ही बहुत गजब के कैमरे हैं जो कि हमारी वीडियो क्वालिटी को यहाँ लेके जाने वाले हैं। अभी देखते हैं कौन सा कैमरा हम प्लान करेंगे, और क्योंकि दोनों ही कैमरे मेरे बजट से थोड़ा ऊपर ही हैं, एंड सोनी जो है सोनी के कैमरे भी अच्छे रहते हैं, बट सोनी के कैमरे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो वो अभी नहीं लेना सही रहेगा क्योंकि उतना बजट है नहीं हमारा, एंड बजट तो कैनन के लायक भी नहीं है, बट थोड़ा खींच लेंगे, बट कैनन के ही हैं जो कि हमारे बजट के आसपास हैं, बाकी सोनी के तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इन फ्यूचर थोड़ा अच्छा चलेगा तो सोनी की तरफ जाएंगे, बट अभी कैनन से काम चलाते हैं। तो सो फाइनली एक और फिर से हम आ चुके हैं हमारी जिम के अंदर, और आज से हमने प्लान किया है कि हम अपना जो वर्कआउट है वो फिर से डेली स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा ये जो मशीन है वो मैंने जो पूरा ये जिम सेट है वो लास्ट मंथ परचेज़ किया था, देन उसके बाद उन्होंने वर्कआउट वगैरह किया, देन फिर हुआ क्या कोविड वगैरह के केसेस वगैरह भी आने लगे, एंड गर्मी जो थी वो अपने चरम पे पहुंच चुकी थी, तो जिस वजह से हुआ क्या जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर वर्कआउट करने आया था तो मेरी जो सांस है वो थोड़ा रुक गई थी, थोड़ा सा ब्रीथिंग में इशू आने लगे थे, तो आपने ब्लॉग में देखा अगर आप लोगों को फॉलो कर रहे होगे तो फिर मैंने वर्कआउट जो है वो बंद कर दिया था। बट अब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो चुका है, मौसम भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, तो अब सोचा कि हमारा जो वर्कआउट है उसको भी वापस से कंटिन्यू किया जाए, एंड जो हमारे चेहरे पे फैट वगैरह जमा हो गया उसको थोड़ा सा कम किया जाए। एंड वर्कआउट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी को एक आदत पड़ चुकी होती है कि हाँ कि आपको इतनी कैलोरीज लेनी है, इतनी कैलोरीज बर्न करनी है, एंड देन जब आप वर्कआउट बंद कर देते हो तो होता यह है कि आपकी बॉडी जो है वो दुगनी तेज़ी से ग्रो करने लगती है, क्योंकि आप कैलोरीज बर्न बिल्कुल नहीं कर रहे हो और अपनी डाइट पर भी कोई कंट्रोल आपने किया नहीं है, देन उस केस में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी है वो दुगनी तेज़ी से फैट बढ़ाने लगती है, एंड फिर वो आपके चेहरे पे दिखने लगता है जैसे अभी मेरे चेहरे पे दिख रहा है। एंड देन जब आप फिर से वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो वो जो फैट है वो इतनी तेज़ी से नहीं जाता जितनी तेज़ी से वो आपके चेहरे पे दिखने लगता है, सो काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको बर्न करने में, सो अभी देखते हैं हो पाता है नहीं। सो आज का जो वर्कआउट था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड वर्कआउट के बाद जो ठंडे ठंडे पानी से नहाने का जो मज़ा होता है ना, आहा उसके कहने क्या क्या आनंद आते हैं। सो काफ़ी दिनों बाद वर्कआउट के बाद ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मौका मिला, एंड बस आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड लोगों को बताना है कैसा एक चैनल है जो कि अभी अभी ग्रो कर रहा है, सो उसको सपोर्ट करो, एंड तब तक के लिए मज़े करो, मौज करो, जो मन में आए वो करो, खुश रहो बस, एंड बाय बाय, थैंक यू।